नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों ये टी वी एस एक्सल 100 है, आई टच BS6 है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। पेट्रोल वगैरह फ्यूल सप्लाई सही जा रहा है लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हमने इसका इंजेक्टर का पाइप खोला तो देख रहा कि यहाँ से थोड़ा सा पानी आ रहा है। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ चाबी ऑन करके, यहाँ से पेट्रोल आ रहा है लेकिन पेट्रोल के साथ पानी भी मिक्स आ रहा है। मतलब कि इसका पेट्रोल में ना पानी मिक्स है इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसे हमें पूरा क्लीन करना पड़ेगा, खोल के हमें इसे पूरा क्लीन करना पड़ेगा। इंजेक्टर वगैरह क्लीन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ टैंक क्लीन करना पड़ेगा इसका, और कुछ भी क्लीन नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें खोलनी नहीं पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ से टैंक का जो पेट्रोल है पाइप्स के द्वारा जो मोटर में आता है उस पाइप को हम खोल कर निकाल लेते हैं पेट्रोल, और देखते हैं कि कितना पानी है उसमें, नहीं तो फिर हमें पूरा टैंक खोलना पड़ जाएगा अगर पानी का मात्रा ज़्यादा हो तो। तो चलिए हम पाइप को खोल लेते हैं। तो पाइप को खोलने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर हम पेट्रोल निकाल रहे हैं, बोतल में पेट्रोल निकाल रहे हैं, हालांकि ज़्यादा पानी नहीं लग रहा हमें, ज़्यादा पानी नहीं है, हल्का पानी है, लेकिन पानी भारी होता है पेट्रोल के मुकाबले। पेट्रोल हल्का होता है और पानी भारी होता है, तो पानी नीचे जम जाता है। तो यहाँ से निकल ही रहा, पाइप से देख रहे हैं पाइप से पानी निकल ही रहा, ये थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है, ये पानी मिक्स है पेट्रोल में। तो हमें पूरा टैंक खोलना पड़ जाएगा क्योंकि टैंक में पानी है, और हमें टैंक खोल के सफाई करनी पड़ेगी। देख रहे हैं यहाँ पर जो पेट्रोल लास्ट वाला जो आ रहा है ना रुक रुक कर दो चार बूंद, तो इसमें पानी है, पानी भारी होता है, इस कारण ये रुक रुक के आ रहा है। अगर पेट्रोल ओनली पेट्रोल रहता ना, देख रहे ये पानी है, अगर सिर्फ पेट्रोल रहता ना तो फटाक से नीचे आ जाता तुरंत, लेकिन ये भारी है, पानी भारी है, सो धीरे धीरे आ रहा है। देख रहे थोड़ा थोड़ा करके आ रहा, अपने आप आ रहा है। यही पाइप जो है वो टैंक से आता है पेट्रोल, और पेट्रोल से सीधा फ्यूल पम्प में जाता है। इसका फ्यूल पम्प बाहर में लगा हुआ रहता है, टैंक के अंदर में नहीं लगा हुआ रहता है। देख रहे ये पानी है, पानी ही आ रहा है इसमें से, पेट्रोल कम ही आ रहा, और जितना पेट्रोल था उतना निकल गया बोतल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब, ये पूरा खोलना पड़ेगा हमें टैंक, और ये फ्यूल पंप जो है वो टैंक में लगा हुआ रहता है, टैंक के अंदर में नहीं रहता लेकिन बाहर में टैंक में ही टाइट रहता है। तो हमें ये पूरा खोलना पड़ेगा, और इसका इंजेक्टर वगैरह क्लीन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ तक पानी जा ही नहीं रहा होगा, तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा होगा, पेट्रोल जा ही नहीं रहा होगा, वहाँ पर पानी चला जा रहा होगा। तो इतना पतला पतला इंजेक्टर में होल होता है ना कि वो पानी बाहर करेगा ही नहीं, वो सिर्फ पेट्रोल ही बाहर करेगा। तो चलिए हमें खोलना पड़ेगा टैंक, तो टैंक को निकाल लेते हैं हम खोल कर। पहले इसका टैंक में हम यहाँ से जो फ्यूल पंप का जो पानी है थोड़ा बहुत ऑन करके निकाल लेते हैं, चाबी से पहले थोड़ा बहुत जो स्टॉक है फ्यूल पंप में उसे निकाल लेते हैं चाबी ऑन ऑफ करके। उसके बाद हम टैंक में थोड़ा सा कपड़ा डालकर चेक करेंगे कि इसमें पानी कितना है, अगर पानी ज़्यादा है तो खोलना पड़ेगा हमें, अगर बाहर से क्लीन हो जाए तो शॉर्टकट में काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं, फ्यूल पंप से सारा पानी निकल गया, पेट्रोल और पानी जो भी था ये निकल गया। ये इसका फिल्टर है, फ्यूल पंप में कचरा ना जाए इसलिए यहाँ फिल्टर दिया हुआ रहता है फ्यूल पंप के इनपुट पाइप में। तो चलिए इसे हम लगा लेते हैं, और अभी भी गिर रहा, देख रहे थोड़ा थोड़ा करके अभी भी गिर रहा, और पानी ही खाली गिर रहा। तो चलिए हम इसका टैंक में एक बार हवा वगैरह मार कर देख लेते हैं, आ रहा है पानी, आ रहा देख रहे पानी आ रहा, इस जगह पर पूरा पानी ही आ रहा है, मतलब कि लग रहा है ना कि इसमें कोई पानी डाल दिया है, या हो सकता है कि पेट्रोल पंप में भी गलती से पानी आ जाता है। उसका जो पेट्रोल टैंक का जो अंदर में टंकी लगा हुआ रहता है जिसमें पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल स्टॉक करते हैं, वो टैंक कभी कभी लीकेज कर जाता है और उसमें पेट्रोल में पानी मिक्स हो जाता है, जो वर्षा होती है ना आसमान से जो पानी वगैरह बरसता है वो धरती के अंदर जाकर वो टैंक जो लीकेज रहता है उसमें पानी बन के चला जाता है, और पेट्रोल में एथेनॉल भी मिला हुआ अभी आ रहा है, कहीं कहीं ज़्यादा परसेंट पे एथेनॉल मिला हुआ आ जा रहा है, जिसमें से आपको 20% 18% मिला हुआ आना चाहिए लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा मिला हुआ आ जा रहा है, और वो एथेनॉल पानी बन जा रहा है। तो हर गाड़ियों में पानी जम जा रहा है,
तो चलिए हम इसमें कपड़ा डाल के चेक कर लेते हैं। ये तो पानी ही है पूरा, ये पूरा पानी है। हमने कपड़ा डाल कर चेक किया तो इसमें पूरा ये पानी ही निकल रहा है, देख रहे हैं ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है। हमें टैंक ओपन करना ही पड़ेगा, देख रहे कितना पानी निकला, इतना पानी निकला। चलिए हम फटाफट से टैंक को ओपन कर लेते हैं चार बोल्ट खोलकर। तो टैंक को हम ओपन कर लिए, टैंक को खोल लिए हैं और इतना पानी निकल रहा, देख रहे ट्रे में भी इतना पानी है, पूरा पानी निकल रहा है पेट्रोल टैंक से। और इसे पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, प्रेशर वगैरह मार लेंगे हवा से, ब्लोअर से, और प्रेशर मार के पूरा क्लीन करके कपड़े वगैरह से साफ़ कर लेंगे, सुखा लेंगे इसे, और सुखाने के बाद इसे फिटिंग करेंगे। तो चलिए ये सब सारा प्रोसेस कर लेते हैं और इसे गाड़ी पर फिटिंग करते हैं और देखते हैं गाड़ी क्या पोजीशन में आता है। तो पेट्रोल टैंक को हमने लगा दिया है, पाइप वगैरह सारा चीज़ डाल दिया है उसका, और अब हम इसमें पेट्रोल डालेंगे, जो पेट्रोल हम निकाले थे वही पेट्रोल डालेंगे, थोड़ा सा उसमें जो पानी है नीचे का जो पार्ट है, नीचे का जो पानी वो नहीं डालेंगे। तो ये तेल सही सप्लाई कर रहा और ये पेट्रोल ही आ रहा है। चलिए अब हम इसे लगा लेते हैं इंजेक्टर पाइप को, ये लग गया, लॉक हो गया। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्लो में स्टार्ट हो रही है, स्पीड में बंद हो जा रही है। हो सकता है इंजेक्टर में दो चार बूंद पानी हो, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये स्टार्ट हो रही है, ये हो गई, तो ये कंप्लीट हो गई। टैंक में इसका पानी भरा हुआ था, टैंक में पानी भरा होने के कारण ये स्टार्ट नहीं हो रहा था, अब ये स्टार्ट भी हो रही है और रेस वगैरह भी ले रही है। पहले तो स्टार्ट तो हो ही नहीं रही थी, लेकिन जब ये लेकर आए थे तो बता रहे थे कि स्टार्ट हो रहा था, हम एक्सीलेटर ले रहे थे तो बंद हो जा रहा था। तो ऐसा प्रॉब्लम कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में भी होती है, ऐसा अगर प्रॉब्लम तो उसमें पानी का ही समस्या होता है, कार्बोरेटर में पानी चला जाता है और गाड़ी तो स्टार्ट होगी लेकिन हम एक्सीलेटर लेंगे ना तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और वही प्रॉब्लम इसमें हो रहा था। तो इसका ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम इसमें यही था कि इसका बैटरी वगैरह पूरा डिस्चार्ज हो गया था, करंट नहीं आ रहा था। जब ये लेकर आए थे ना तो कहीं पर चेक करवाए थे तो करंट नहीं आ रहा था, तो ये हमारे पास लेकर आए, तो बैटरी अगर इसका पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट गाड़ी में नहीं आएगा। तो बैटरी को हमने चार्ज करके लगाया है और पानी वगैरह सब निकाल दिया। तो चलिए इसका हम ढक्कन वगैरह सब कंप्लीट कर लिए हैं, पूरा टूल बॉक्स वगैरह सब लगा दिए हैं और ये कंप्लीट हो गई गाड़ी। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ इसको। अब ऐसा नहीं है कि आपको 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो दिखा रहा हूँ तो 8-10 मिनट में कंप्लीट हो गया, मैं आपको कट करके दिखा रहा हूँ। ऐसा ना समझे कि 8 मिनट में ही गाड़ी कंप्लीट हो गई। ये हो गई कंप्लीट, लाइट वगैरह सब सही है और चेक इंजन लाइट भी नहीं जल रहा है इसका, ये सही स्टार्ट हो रही है, ये हो गई कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसे ही बाइक से रिलेटेड जानकारी के साथ, जो कि मैं आपको अपने चैनल में बाइक से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जानकारी देता रहूँगा। आगे भी हमारे पास कोई ऐसी गाड़ी आएगी तो देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।